हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो में ये मैंने अमेज़ॉन से ओलिविया का शाइनर ब्लीचिंग क्रीम मंगवाई थी, इसी का मैं रिव्यू बताऊंगी। 400 की प्राइस में मुझे ये सारे चीज़ें मिली थी और काफ़ी बड़ा पैक है। अगर आपका पार्लर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको इसको कई बार अप्लाई करना है अगर हैंड्स पे, नेक पे, फेस पे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें मुझे इसमें मिली थी। ट्रे दी गई थी, क्रीम है, क्रीम के 2 टब मिले थे, एक्टिवेटर की 3 शीशियाँ मिली हैं, उसके बाद इसमें एक बूस्टर करके है वो भी रिसीव हुआ है। तो मैं जब इसको लगाऊंगी तब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं। एक लीफलेट मिला है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको देख देख के कितनी क्वान्टिटी है मेज़र करके डाल सकें। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, अपने सेंसिटिव एरिया पे इसको लगा के देख लें अपने कान के पास कि आपको सूट कर रहा है या नहीं। अगर इसकी पैकेजिंग देख रहे हैं तो पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल डायमंड जैसे लगता है, जैसे 3D करके पैकेजिंग है इसके बॉक्स की। तो यहाँ पर ये पोस्ट ब्लीच है, जब हम ब्लीचिंग कर लेंगे उसके बाद हमें लगाना है। उसके बाद ये एक्टिवेटर है, इसमें 3 शीशी दी है एक्टिवेटर की। उसके बाद जो क्रीम है उसके 2 टब हैं, ये छोटी सी प्लास्टिक की ट्रे दी गई है। उसके बाद ये क्रीम है, शाइनर क्रीम ओलिविया की, और ये ब्लीच बूस्टर है। सो ये भी मुझे 2 इसके अंदर ट्यूब हैं। सो अब हम इसको यूज़ करके इसको दिखाते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। और इसको आप एक ग्लास के बाउल में ही ले, और या तो फिर प्लास्टिक के बाउल में लें, कोई भी आप एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन यूज़ नहीं करें। और ये क्रीम देख रहे हैं तो इस तरह की थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, ब्लू कलर की है। तो यहाँ मैं 2 स्पून, बड़ा स्पून जो है मिला है उससे मैं डालूँगी, क्योंकि मुझे अपने हैंड्स पे लगाना है तो इसलिए मैंने 2 स्पून इसको लिया है। और मुझे काफ़ी ट्रे में इसको सब कुछ मिक्स करने में तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि एक आप बाउल ले लें, उसमें आराम से ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये एक्टिवेटर लिया है मैंने। सो ये एक्टिवेटर पाउडर फॉर्म में है और इसमें ग्लिटर डस्ट भी डाला गया है। सो इसको मैंने जो दूसरा स्पून दिया है उसके मेज़र से मैंने इसको इसमें डाला। ये देखिए, ये दूसरा छोटा सा स्पून दिया है उसके मेज़र से मैंने इसको उसमें ऐड करा है। दोनों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन दोनों को। सो मुझे मिक्स करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि एक बड़ा ही ग्लास का बाउल लें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। सो इन दोनों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड ओलिविया की जो क्रीम है वो हर्बल है, तो जो भी जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए काफ़ी अच्छी है, और सारी स्किन के लोग इसको लगा सकते हैं। सो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद जो 3rd प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, ब्लीच बूस्टर, उसको भी मैं निकाल के इसमें ऐड कर दूंगी। वो ट्यूब फॉर्म में मिला है तो वो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा ले लिया था और इसमें मिक्स कर दिया था। उसको मैंने किसी चीज़ से मेज़र नहीं किया था, उसको बस मैंने थोड़ा सा अपने आप से निकाल कर इन दोनों के संग इसको भी मिक्स कर दिया था। सो इस क्रीम में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि जो ब्लीच बूस्टर है ये भी आपको मिलता है। अदरवाइज़ अगर कोई और क्रीम होती है ब्लीचिंग क्रीम तो आपको 2 ही चीज़ें एक्टिवेटर और क्रीम ही मिलती है, बट इसमें मुझे ये ब्लीच बूस्टर मिला है। तो डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। सो इन तीनों को ही बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपको जहाँ भी लगाना है आप उस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन कर लें। मैंने यहाँ पर अपने हैंड को वॉश कर लिया था, अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो फेस को वॉश कर लें, और यहाँ मैंने अपने हैंड्स पर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इसको कवर अप कर लिया था। स्पैचुला भी दिया गया है तो उसकी हेल्प से मैंने इसको अपने हैंड्स पे लगा लिया था। बट अगर आपको स्पैचुला नहीं यूज़ करना है, हैंड से लगाना है, तो आप अपने हाथ से भी इसको बड़ी इजली से लगा सकते हैं। पूरे हाथ पे ही मैंने इसको बहुत आराम से इसको लगा लिया था। उसके बाद 10 या 15 मिनट के बाद आपको इसको ऐसे ही रखना है, और फिर आपको अपने हैंड्स, फेस या आप जहाँ भी लगा रहे हैं उसको आप ठंडे पानी से इसको धो लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसको अपने हैंड्स पे लगा लिया है और 10 मिनट के बाद मैंने इसको धो लिया था ठंडे पानी से। सो उसके बाद जब धोने के बाद ये देखिए, ये मेरे हैंड्स,
मेरे हाथ में काफ़ी टैनिंग हो रखी थी, तो एक बार अप्लाई करने पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बट दूसरी बार ज़रूर मैं इसको अप्लाई करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट क्रीम मिली थी उसको मैंने थोड़ा सा अपने हाथ पे निकाल कर अपने हाथ पे लगा लिया है। तो ये था इस ओलिविया हर्बल क्रीम ब्लीच क्रीम का रिव्यू। गाइस मुझे ये क्रीम अच्छी लगी, इसकी जो फ्रेगनेंस थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, एंड मेरे हाथ में जैसे कि मैंने बताया क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है तो मेरे हाथ में काफ़ी टैनिंग हो गई थी, तो एक बार लगाने से इतना पता इफ़ेक्ट नहीं आता है, तो आपको एक दो बार तो अप्लाई करना ही होता है तभी आपको पता चलता है कि क्या उसके इफ़ेक्ट हैं। तो डेफिनेटली मैं इसको एक दो बार और इसको अपने हैंड्स पे या फेस पे जब भी लगाऊंगी तो मैं उसका एक रिव्यू अपने चैनल पे डाल दूंगी ताकि आपको भी हेल्पफुल मिल जाए। और जब भी आप इसको लगाएं तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।